वो अबूजी, चाचू अबूजी, क्या शर्म कर, तेरी वजह से मेरा बाप जैसा भाई मुझे छोड़ के चला गया। तेरी वजह से कातिल है तुम अपने बाप की। मुझे यह नजर मत आना, लेके जाओ इसे, ले जाओ। एक मिनट अनवर, आप खामोश रहें, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। मैंने कहा ना ये यान नजर नहीं आएगी, तब हो जाऊंगा, लेके जाओ इसको। बेटा अंदर जाओ, रमशा अंदर जाओ, बेटा आओ 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 अंदर। ना फरमान औलाद, कातिल है ये, उसके ये मेरे भाई की कातिल है। मैं जिंदगी भर इस लड़की को माफ नहीं करूंगा। डैड, आपको खुद एयरपोर्ट से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप कम से कम बता तो देते, मैं आपको खुद पिक कर लेता या ड्राइवर को भेज देता। बहुत अच्छा, इतना भी बूढ़ा नहीं हूं मैं जितना तुम लोग मुझे समझने लगे हो। अभी एयरपोर्ट से घर आना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन भाईजान, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, कभी भी अपनी जात से आप दूसरों को सहमत नहीं देते। कभी हमें भी खिदमत का मौका दीजिए आप। अफनान बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल भाई, तुम लोग के पुरजोर इसरार पे आइंदा ख्याल रखूंगा, ठीक है? अच्छा, अब खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। इतने दिन के बाद आए, खाना तो इकट्ठे ही खाएंगे, लगवा लेते। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मियां? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। कब? सफर दे तुम सबको, बस यही हकीकत है। जनाजा कब है? ठीक है, मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो जरूर मैं हाजिर होता इंशाल्लाह। क्या हुआ डैड, किसका इंतकाल हो गया? यार वो साजिद साहब नहीं, स्टोर वाले, वो जो जिनकी बच्ची की शादी के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। बस जनाजे में शिरकत करनी चलेंगे, ठीक है? डैड, आप अभी अभी तो आए हैं, बहुत थक गए होंगे। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया, हम सबको जाना है एक ना एक दिन, रिमाइंडर ही तो होता है ये जनाजा। बख्शिश करे मरहूम की, अच्छा भला आदमी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। रमशा जी, अबू जी आ गए। लो भाई, तो आई भाई लेके आ गए, आप कितने अच्छे। थैंक यू। मेरी बेटी को फरमाइश करे तो मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू। क्या जरूरत थी ये लाने की? आप बिना इसकी हर जिद पूरी करते, आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। एक बेटी है हमारी बेगम साहब, अगर उसे भी लाड नहीं उठाएंगे तो क्या मोहल्ले वाले को उठाएंगे? महराज, ये वही रमशा है ना, देखते देखते कितनी जल्दी बड़ी होगी। मुझे तो वो दिन याद है जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने लाके एक गुड़िया मेरे हाथ में दी थी कि सर ये बेटी हुई है आपके, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र तेरे हमारे घर में रहमत दी। अबू, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अबू, बहुत शुक्रिया। मैं उन बापों में से नहीं हूँ बेटा जो अपने रिश्ते बचाने के लिए अपनी बेटियों को भेंट चढ़ाने से। इस तुम्हारी खुशी है दुनिया की हर चीज से।
भाभी हम इस लड़की को यहाँ क्यों रखेंगे? लड़की नहीं है ये, बेटी है मेरी, मेरी बेटी। इसे मंजूर था ना कि इसका बाप सारी दुनिया में रुसवा हो? ठीक, लेकिन मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बेटी मेरे घर से धक्के देके निकाली जाए। मुझे वाकई सुकून नहीं आ रहा। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे एक और मौका दे, इसके बाद कभी कुछ नहीं करूंगी। दिल से माफ कर दे प्लीज। बचपन से जिद्दी हो तुम, आखिर मेरी बेटी हो ना। मैंने दिल से माफ कर दिया बेटा। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जिसकी ये सजा दे रहे हैं आप लोग। अगर शरीफों का वतीरा यही है कि वो बारात लाके दूसरों की बहन बेटियों को जलील करें, तो हम वाकई ऐसे शरीफ नहीं हैं। इससे पहले कि मैं धक्के देके आपको निकालूं, चले जाएं यहां से। जान मुझ में अब लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। कवर टूट गई है मेरी। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पैरों में जान नहीं रही है। मेरे कदम मेरा साथ नहीं देंगे। मेरी इज्जत खाक में मिल गई। काश इस बेइज्जती के साथ साथ मैं भी खाक में मिल जाता तो कितना अच्छा।